started with the revision of the nutrition topic, and in nutrition we discussed about the autotrophic mode of nutrition, right? That was photosynthesis, the process of photosynthesis, the events of the photosynthesis as well. ठीक है, तो events भी हमने पढ़े कल, उसके बारे में चार events थे, चार factors हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ी. Plus along with this, now there are certain activities before starting with the heterotrophic. There were three activities जो आप लोगों ने पढ़ी हैं related with the photosynthesis. That sunlight is important. For sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Second, आपने पढ़ा था chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. And thirdly, not of water. Starch is important. Starch is necessary. हाँ जी, so next is the chlorophyll is necessary, and the third one was carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. ये तीन activities हमने करी थी. तीनों activities के base पे questions भी आपको आ सकते हैं. ठीक है, तीनों activities के base questions जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं. Why only black color sheet? Which color sheet is required for this experiment to show that the sunlight is necessary? ऐसी चीजें. ठीक है, रीजन भी आपसे पूछे जाते हैं, दैट इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल रीजन फॉर चूजिंग द ब्लैक कलर्ड शीट फॉर द एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी. तो सनलाइट इज नेसेसरी में सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट डू वी नीड? वी नीड अ ग्रीन प्लांट, वी नीड अ वैरायगेटेड प्लांट. व्हाट टाइप ऑफ अ प्लांट? नॉट अ वैरायगेटेड प्लांट, ग्रीन प्लांट. वी वॉन्ट अ ग्रीन प्लांट है, हमें यहाँ पे ग्रीन प्लांट चाहिए है. ग्रीन प्लांट के ऊपर हमने क्या किया, ब्लैक शीट से उसको कवर कर दिया. देन वी विल पुट अ ब्लैक शीट कवरिंग इट्स मिडल वन थर्ड पोर्शन. ठीक है, ब्लैक शीट से कवर करना है हमने वन थर्ड पोर्शन पे. वन थर्ड पोर्शन इसका कवर कर देना है ग्रीन प्लांट के, एक लीफ का, दैट इज विद अ ब्लैक शीट. Why only black sheet? हाँ जी, because it is the only one color that which is a good absorber of all the colors of the light. ठीक है, otherwise अगर आप red sheet लेते हैं तो red color reflects back, है ना, तभी आपको red नजर आता है. ऐसे green है तो green reflects back, green नजर आता है. तो ये चीजें क्या है, that is possibly because of, क्योंकि black जो है that is absorbing all the colors. अगर ये ग्रीन प्लांट के ऊपर ब्लैक शीट पड़ा होगा, जैसे ये ग्रीन लीफ है उसके ऊपर ये ब्लैक शीट है, ठीक है, तो जहां पे ब्लैक शीट पड़ा होगा वहां पे सारे कलर्स लाइट के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एंड दे वोंट बी रीचिंग टू द लीफ सरफेस. एंड इफ द सनलाइट वोंट बी रीचिंग टू द लीफ सरफेस, देन डेफिनेटली वी कैन प्रूव दैट द सनलाइट इज नेसेसरी और नॉट, है ना. अब इसके बाद ब्लैक शीट से हमने वन थर्ड पोर्शन कवर कर दिया. सो दिस वॉज द प्लांट एंड द लीफ ऑफ इट. ठीक है, ये प्लांट है और इस प्लांट को हमने अपरूट नहीं करना है. दिस इज हैविंग द रूट एज वेल एज द स्टेम अलोंग विद इट. हियर वी हैव कवर्ड इट विद द वन थर्ड पोर्शन ऑफ दिस, वी हैव कवर्ड विद द ब्लैक शीट. नाउ एक्सपोजिंग इट टू द सनलाइट, इसको जब हमने सनलाइट में रख दिया, ब्लैक कलर विल एब्जॉर्ब ऑल द सनलाइट एंड इट इज द ग्रीन कलर दैट विल बी गेटिंग ऑल द सनलाइट. बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रखना. क्यों नहीं रखना, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे, जब इनमें सेल्स में, ये वाले पोर्शंस के सेल्स में बहुत ज्यादा खाना प्रिपेयर हो जाएगा, तो दे विल स्टार्ट गिविंग इट टू द पार्ट विच इज हियर. ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे अच्छे से. सो उसके लिए हमने इसको एक्सपोज किया ओनली फॉर वन और टू आवर्स, दैट इज सो दैट ये पोर्शन अपने खाना बना लें. ठीक है, एक और चीज जो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं की, सबसे पहला काम आपने हर एक एक्सपेरिमेंट में करना है, दैट इज टू डी स्टार्च. ठीक है, डी स्टार्चिंग इज कॉमन फॉर ऑल. डी स्टार्च जरूर करना है, फिर उसके बाद आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाना है. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, व्हेन आफ्टर कीपिंग इट फॉर 1 to 3 आवर्स, फिर क्या करेंगे? हाँ, 1 से 3 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया. आफ्टर दिस प्लक द लीफ, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल लीफ लिया है, और एक्सपेरिमेंटल लीफ को प्लक करने के बाद वी ट्रीट इट इन द वॉटर, बॉइल इन वॉटर. व्हाई टू बॉइल इन वॉटर? सेल वॉल्स फंक्शनेबल ना रहे, वो अपनी फंक्शन लॉस्ट कर दें, और जो हमारे ये ग्रीन पोर्शन है वो फूड को डिफ्यूज ना करवा पाए.
ठीक है, हमारा ब्लैक वाला पोर्शन जो था, कवर्ड वाला पोर्शन जो था वो वैसा ही है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, बॉयल इन एल्कोहल, बट हाउ टू बॉयल इन एल्कोहल, ओवर द वॉटर बाथ, यस ओवर द वॉटर बाथ यू हैव टू बॉयल, ओवर द वॉटर बाथ मीन हाँ दो बीकर हमने लेने हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है। ओवर द वॉटर बाथ मीन्स हमने एक बीकर बड़ा लिया जिसमें हमने पानी लेना है, और दूसरा हमने यहाँ पे छोटा बीकर या टेस्ट ट्यूब ले लिया जिसमें हमने एल्कोहल लिया है, ठीक है। सो दिस इज इनडायरेक्ट हीटिंग एंड दैट इज ओवर द वॉटर बाथ, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज वॉटर। लीव कहाँ रखेंगे, पानी में के एल्कोहल में, एल्कोहल में, क्या बातें हो रही हैं, डायरेक्ट, क्योंकि अल्कोहल जो होती है दैट कैचेस फायर वेरी इजीली, ठीक है। सो दिस इज आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज, ये कर दिया हमने बॉयल इन अल्कोहल ओवर द वाटर बाथ स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में दो ऑप्शंस आती हैं, बॉयल इन अल्कोहल एंड बॉयल इन अल्कोहल ओवर द वाटर बाथ, तो यू विल बी चूजिंग द वन विद वाटर बाथ, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में हम पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते, एंड यू विल लूज द मार्क्स, राइट। सो दिस इज बॉयल इन अल्कोहल कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ जी, आयोडीन टेस्ट, दैट इज द फाइनल स्टेप, दैट इज आयोडीन टेस्ट। व्हाट कम्स आफ्टर द आयोडीन टेस्ट, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व इन दीज पोर्शंस बट नॉट हियर, ठीक है। व्हाई व्हाई, हाँ हाँ, yes, this part did not get the sunlight, which is a necessary component or a necessary factor that for the process of photosynthesis. और जब इसमें photosynthesis करवाने के लिए अगर यहाँ पे sunlight available नहीं हो पाई तो food synthesize नहीं हुआ, photosynthesis नहीं हुआ, और hence starch का जो test है, iodine test है, वहाँ पे this portion will be negative and the others will be positive. Clear? हाँ जी, done. सबको समझ आ गया, कोई doubt? No doubt. कमिंग टू द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हार्दिक, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको केमिकल्स चाहिए ना, एल्कोहल चाहिए है, आयोडीन चाहिए है, ठीक है करके देख लो। पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, वी यूज इथेनॉल हेयर, ओके, इथेनॉल इज देयर एल्कोहल, तो वी यूज दैट, ठीक है। हाँ केमिकल्स जहां से मिलेंगे वहीं से मिलेंगे, हाँ जी, नहीं नहीं वहां पे कहां से मिलेगा, आयोडीन है बेटा, आयोडीन आपको जहां पे केमिकल्स मिलते हैं वहीं से मिलेगा ना, नहीं आयोडीन वहां से मिलेगा, जहां पे लैब्स की सप्लाई होती है ना, उन वाली डीलर्स के साथ आप मीट कर सकते हैं वहां से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही। चलो नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी, साइलेंस, क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्लोरोफिल के लिए सबसे पहला हमारा डिस्टार्चिंग प्लांट कौन सा लेना है, वेराइगेटेड लिखना, वेराइगेटेड प्लांट लेना है, वेराइगेटेड दैट इज हैविंग द पैचेस ऑफ ग्रीन एंड येलो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेराइगेटेड प्लांट, हाँ जी, कितनी देर नहीं, दैट इज हार्डली अ मिनट और टू, एक दो मिनट के लिए, दैट इज ओनली टू डीकलराइज, व्हेन योर इन एल्कोहल क्या होता है, वो ग्रीन कलर जो है वो सारा छूट जाता है लीव्स का, ठीक है, और जब आपको लगे कि नाउ इट इज पेल येलो, यू जस्ट टेक इट आउट। अगर लीव बड़े साइजेस के हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर लीव छोटे साइज का है तो फिर उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि क्लोरोफिल उतना थोड़ा होगा, ठीक है, सो दैट डिपेंड्स, ओके। वेराइगेटेड लीव, हाउ टू ट्रीट दिस नाउ, द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल बी copying out the patches, ठीक है, copy out the patches which are, और trace the patches, अब यहाँ पे हमने tracing कर देनी है patches की, क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा बाद में कि हमारे येलो पैच पे फूड का प्रेजेंस आया है या नहीं आया है, इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब हमने इस ऐसे प्लांट को डिस्चार्ज किया, ऐसा प्लांट मीन्स जिसमें जो लीफ है वो variegated है, variegated means this was the leaf having the certain yellow patches, let's say these are the yellow patches, ये एक येलो पैच और ये दूसरा येलो पैच, ठीक है, हाँ जी, ये तो बाहर से दिख ही रहे हैं ना, येलो पैचेस तो दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन और येलो आपको कलर नजर आ रहे हैं, ठीक है,
जब अल्कोहल में बॉयल कर देंगे तो ये नजर नहीं आएंगे, तब ये सारा ही येलो नजर आएगा, फिर हमें नहीं क्लियर होगा कि फूड कहाँ पे था या नहीं था, इसलिए पहले से ट्रेस कर दीजिए ये पैचेस, ठीक है। जब आपने डी कलराइज किया तो ग्रीन पोर्शन एज वेल एज द येलो पैचेस, सारे में से फूड जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने ट्रेस किए पैचेस, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने सिंपल इसको क्या किया, आफ्टर डी स्टार्चिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, नो डी स्टार्चिंग 48 to 72 hours, ठीक है। जब डी स्टार्चिंग करनी है हमने 2 to 3 days के लिए करनी होती है, बाय कीपिंग इट इन डार्क, राइट। 2 to 3 days मतलब 2 days रखिए या 3 days रखिए, अगेन डिपेंड्स अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्लांट, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्लांट, इफ द प्लांट इज हैविंग द स्मॉल लीव्स एंड अ स्मॉल साइज प्लांट इट इज, देन हार्डली 2 days लगेंगे, डी स्टार्चिंग हो जाएगी सारे प्लांट की, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, अगर आपने बिग लीव्स लिए हैं, अगर आपके पॉटेड प्लांट जो आपके पास अवेलेबल हैं बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बट कीप इट इन फुल डार्क, देयर शुड बी नो इनलेट ऑफ लाइट देयर, ठीक है। ओके जी, देन इज वैरायगेटेड लीफ लिया, ट्रेस कर दिया हमने पैचेस, देन हमने इसके बाद कीपिंग इट इन सनलाइट, सनलाइट में रखा है इसको फॉर हाउ मेनी आवर्स, 1 to 3 hours, ठीक है। 1 to 3 hours के लिए हमने इसको सनलाइट में रखा। द ग्रीन पैचेस फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, राइट। बट अब इससे ज्यादा आप 1 hour रख लो वो ज्यादा बेटर है 3 hours वेट करने से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने रखा अप्रोक्सीमेट 1 to 3 hours के लिए, एंड देन ट्रीटिंग इट इन द सेम वे, दैट इज बॉइलिंग द लीव, एनी वन लीव ऑफ द प्लांट फर्स्टली इन वॉटर, बॉइल किया इसको वॉटर में, फिर उसके बाद बॉइल इट इन एल्कोहल, एल्कोहल में बॉइल करते ही हमारे सारा कलर जो है वो फेड हो जाएगा, सारा कलर जो लीफ का है ग्रीन और येलो पैचेस वाला वो सब कुछ फेड हो जाएगा। और फेड होने के बाद क्या होगा, सारे पैचेस हमें एक जैसे ही नजर आएगा, सारा हमें येलो कलर का नजर आएगा। अब इसके बाद जब आप आयोडीन टेस्ट के लिए ट्रीट करेंगे, वहां पे हमें ये ट्रेसेस हेल्प करेंगे वेदर वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एज ए the green patches or the green parts only are responsible for photosynthesizing, ठीक है। तो जब आपने ये किया आयोडीन टेस्ट फाइनली लास्ट में, तो यू विल सी दैट देयर इज सम ऑफ द एरियाज विच आर ब्लू ब्लैक एंड सम आर नॉट, एंड व्हेन यू विल मैच इट विद द ट्रेस्ड पेपर जो आपने ट्रेसिंग कर दी हुई है उसको ऐसे ऊपर रख के देखेंगे, तो यू विल सी देयर आर एरियाज वेयर देयर इज येलो पैच, दोज आर नॉट शोइंग द ब्लू ब्लैक कलरेशन चेंज, अदरवाइज द अदर्स आर, ठीक है, डन। सो दिस वॉज एक्सपेरिमेंट और एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड वॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसकी एक्टिविटी कैसे करेंगे आप, पहले तो डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके बाद प्लांट कैसा लेना है, ग्रीन लेना है वैरायगेटेड लेना है, ग्रीन लेना है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ ग्रीन प्लांट, पॉटेड प्लांट, but now here we are going to take 2 green plants because of do setup banenge hamare, theek hai, do setup banenge, green plant a hai aur green plant b hai, so do setups hamare taiyar honge, that is a green plant a and a green plant b. in this green plant a, agar hum baat kare discharge kar chuke hain hum, baki sare factors dene hain, pani dena hai, potted plant mein pani dalna hai, सनलाइट में रखना है और एयर का एक्सपोजर भी देना है, ठीक है। लेकिन हमने इस ग्रीन ए प्लांट को हमने इसको कवर कर दिया, कवर विथ इन्वर्टेड बेल जार, ठीक है, आपने इसको कवर कर दिया विद अ बेल जार, राइट, बेल जार के साथ आपने इसको कवर कर दिया, दैट इज अ बेल के जैसा शेप का एक जार होता है, उसके साथ आपने सिंपल ग्रीन प्लांट को कलर कवर कर दिया। सेकेंड वाले में हमने क्या किया, along with the plant B, we also kept one china dish or a petri plate carrying what? KOH pellets, that is potassium hydroxide pellets, okay, that was carrying the pellets, potassium hydroxide, and then covering it with the same, that is the bell jar, cover kar diya isko bell jar se dono ko, theek hai, keeping both together in the sunlight, exposing out both together in the sunlight for again 1 to 3 hours, sunlight mein rakha humne dono ko alag alag, theek hai, 1 to 3 hours ke liye rakha, then after that
pluck out the leaf and treat it directly. We can also boil it in water, then boil in alcohol and then proceed for iodine. ये भी कर सकते हैं. Otherwise हम यहाँ पे straight away भी कर सकते हैं इसको. सीधा ही iodine test इसका करना. ठीक है. Iodine test में हम पहले boil in alcohol क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि iodine is itself reddish brown in color. ठीक है, it is having the brownish color, dark coloration. Second, हमारे leaves भी green color की. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो कलर्स की मिक्सिंग की वजह से तो ब्लू ब्लैक नहीं आ गया, वो कंफ्यूजन रहता है बिकॉज बोथ आर डार्क, ग्रीन इज डार्क, ब्राउन इज डार्क. ठीक है, अब ये दोनों कलर्स डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लगता है, इसलिए जस्ट यू कैन से जस्ट टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजन इन योर माइंड, वी कैन अगेन प्रोसीड विद द बॉइलिंग इन वॉटर, बॉइलिंग इन एल्कोहल एंड देन आयोडीन टेस्ट. ठीक है, सो जब हम इसमें बॉइल इन एल्कोहल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बॉइल इन वॉटर, देन सेकेंडली दोनों को अलग अलग आप ट्रीट दे रहे हैं, लेकिन जब आपने इन दोनों को अलग अलग आपने ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ए वाले सेटअप का कौन सा था और बी वाले का कौन सा था. ठीक है, देन एल्कोहल एंड देन फाइनली आयोडीन टेस्ट. वॉट विल बी द ऑब्जर्वेशन आफ्टर गेटिंग द आयोडीन टेस्ट फॉर द क्लोरोफिल रिजल्ट? हाँ जी, वट विल बी द आयोडीन टेस्ट हियर? एक में कलर चेंज होगा, लेकिन किस में होगा? कवर दोनों को किया है, किसमें होगा, किसमें नहीं होगा? ए में कलर चेंज विल बी विजिबल, बी में इट वोंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस KOH. KOH that has absorbed all the carbon dioxide from that bell jar's environment. अब जैसे इसके डायग्राम के लिए हम बात करें, we had a plant, ठीक है, ये हमारे पास potted plant है, और इसके ऊपर हमने इस तरह से पूरा bell jar लगा के इसको cover कर दिया, है ना? हमने तो इसको cover कर दिया, ये इस तरह से पूरा plant है, this was a plant, and now we have covered it completely. जब हमने इसको cover कर दिया completely, तो उसका atmosphere, इसका air, वो उतना ही fix हो गया. सारी एयर तो ले नहीं रहा है, सारी एयर मतलब ओपन एयर तो है नहीं है इसके राउंड, इसके राउंड है क्या? सिर्फ इतनी एयर. ठीक है, अब वहां पे भी अगर हम KOH रख देंगे, यहाँ पे KOH पैलेट्स डाल देंगे, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले. द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द KOH इज मोर एज कम्पेरेटिव टू द प्लांट्स. KOH जैसे ही आया उसे फटाफट से एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देना, एंड प्लांट्स अभी डिस्चार्ज होके आए तो वो धीरे धीरे करेंगे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ऐसे वाले प्लांट में कलर चेंज विद आयोडीन टेस्ट नहीं आएगा. गॉट इट? हाँ जी, क्लियर? एनीबडी सिटिंग ऑनलाइन हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?